Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study 24 by BK Friends. आज Kirchhoff class के friends कुछ question लाए हैं, इनको मैं जो है solve करूँगा. आप लोग इनको एक बार देख लीजिए friends, ठीक है? और जो paper में friends कम से कम दो या तीन बार, और Kirchhoff class से हम friends हमेशा question पूछे जाते हैं, और plus जो है उसमें statement plus numerical, तो हम कुछ numerical लाए, उनको आप देखिए. तो question number first है. Using Kirchhoff's rule, determine the value of unknown resistance R in the circuit so that no current flow in the circuit. आप कोर रेजिस्टेंस वाले में करंट जब फ्रंट फ्लो नहीं करता है तो बताना है. Also find the potential difference A and B. फ्रंट क्या है A and B के बीच में, जो ऐसे लाइन ड्रॉ करें तब. फ्रंट तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें बोला है 4 ओम वाले में नो करंट, इसमें हमारा करंट नहीं फ्लो करेगा. ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाले में लेते हैं और यहां पे हमने क्या मान लिया फ्रेंड्स, आई करंट. ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट में ले लेते हैं ऐसे. तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट यहाँ लेते हैं और ये सेकंड लेते हैं. लिखेंगे इन फर्स्ट लूप. ओके फ्रेंड, क्या होगा, अप्लाइंग Kirchhoff सेकंड लूप है. Kirchhoff सेकेंड लूप. ओके फ्रेंड्स, क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले यहाँ पे हमने फर्स्ट ले लिया है फ्रेंड, और इसमें हम क्या करते हैं, करंट जो है Kirchhoff फर्स्ट रूल सेकंड रूल लगाते हैं फ्रेंड. तो यहाँ पे ये लूप है, क्लोज लूप में हमेशा लगता है फ्रेंड, ये क्लोज लूप है और हमने अपने मन से इसका करंट का डायरेक्शन ले लिया फ्रेंड. अगर हमने जो करंट का डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करती है फ्रेंड, तो करंट हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तो हम निगेटिव लेंगे. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे फ्रेंड्स, जो सेल लगा है ईएमएफ की बात करते हैं, तो अगर करंट के डायरेक्शन में अगर फ्लो करता है हमारा ईएमएफ से जो है करंट, तो हमारा पॉजिटिव होगा. तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर करेंट का डायरेक्शन है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, आई करंट फ्लो करती है, वन रजिस्टेंस है, प्लस जो है क्या होगा फ्रेंड, ये हमको लेना नहीं क्योंकि यहाँ पे बता दिया करंट इसमें नहीं लेना. तो अब क्या बचा फ्रेंड, एक ही रेजिस्टेंस हमारे पास चाहिए, और यहाँ पे वोल्टेज बैटरी कितनी है फ्रेंड, एक ही रेजिस्टेंस बैटरी हमारे पास है, एक 9 वोल्ट की है क्योंकि यहाँ देखिए पॉजिटिव, और यहाँ फ्रेंड क्या होगा, ये निगेटिव होगा. तो हमारा आ गया आई इज इक्वल टू फ्रेंड, यहाँ देखिए एक आई यहाँ है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 1 × i हो जाएगा, मिलकर 2i = 3, तो i ऊपर कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया. ओके फ्रेंड, कितना हो जाएगा, i की वैल्यू 3/2 आ गई. तो अब क्या देखते हैं फ्रेंड, सेकंड वाले में लेते हैं, फिर लिखेंगे इन सेकंड लूप क्या होगा, अप्लाइंग Kirchhoff सेकंड लॉ सेकंड रूल. इसमें सेकंड रूल अगर अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप सेकंड रूल इसमें अप्लाई करेंगे, तो एक है यहाँ पे आई, यहाँ देखिए फ्रेंड्स आई हमारा है, और ये रेजिस्टेंस कितने का है, तो आर का है, इक्वल टू. अब तो कोई रेजिस्टेंस इसमें है नहीं, इसमें लेना नहीं, और डायरेक्शन हमको क्या कर देना है, यहाँ पर फ्रेंड ऐसे ले लीजिए डायरेक्शन. तो अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो बैटरी ईएमएफ 3 वोल्ट की बैटरी, इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, और प्लस इस वाले का फ्रेंड क्या होगा, सेकेंड वाले का यहाँ पॉजिटिव की डायरेक्शन ये है. तो हमारा आर इक्वल टू आ जाएगा फ्रेंड 3/ यहाँ पे आई आ जाएगा, तो 3/ आई की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 वोल्ट. ये हमारा आ गया फ्रेंड्स क्या, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब है 2 ओम आ गया रेजिस्टेंस. तो ये कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है. तो फ्रेंड्स बताना है क्या हमको, ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है.
तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे, तब क्या होगा फ्रेंड्स, अब लेते हैं इसमें हमने किरचॉफ लॉ लगाना है, यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो अब करना क्या फ्रेंड्स हमको किरचॉफ लॉ से यहाँ पे होगा कितना, कि अगर हम ये कर दें कि बी ए हमारा क्या हो गया, इसमें यहाँ इस पॉइंट पे बी ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो फ्रेंड इसको छोड़ दीजिए, करेंट कितना है इसमें, तो हमारा हो जाएगा ये आ जा रहा है हमारा फ्रेंड्स आई इंटू वन प्लस आई इंटू वन इक्वल टू, ओके फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ निगेटिव अगर हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो बी ए माइनस बी डी हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये वैल्यू हो जाएगा टू आई इज इक्वल टू बी ए माइनस बी डी हो जाएगा फ्रेंड्स, बी टू इंटू आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आई की वैल्यू हमारे पास है 3/2 है, तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पे बी ए माइनस बी डी हो जाएगा फ्रेंड, 2 से 2 कट जाएगा तो बी ए माइनस बी डी इक्वल टू कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया फ्रेंड, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए और डी के बीच में कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद तब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है फ्रेंड किरचॉफ रूल अप्लाई दी रूल टू दी लू करेंट I1, I2 एंड I। फ्रेंड्स क्या करना है हमको, सबसे पहले बताना है कि किरचॉफ लॉ क्या होता है, उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हमको करना क्या है कि किरचॉफ लॉ बताने के बाद फ्रेंड्स इसको करना क्या है कि हमको I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले किरचॉफ सेकंड लॉ किरचॉफ फर्स्ट रूल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगा द अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट इन एनी जंक्शन इज जीरो फ्रेंड्स, मतलब समेशन आई इक्वल टू जीरो फर्स्ट लाइन, मतलब अगर हमको यहाँ कैसे दिखाना फ्रेंड्स ऐसे करके, तो ये हो गया
फ्रेंड्स यहाँ आई वन आई टू आई थ्री और अगर आई फोर लेते हैं फ्रेंड्स तो होगा आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई आई थ्री प्लस आई फोर होगा। ओके फ्रेंड्स, मतलब आने वाली करंट प्लस होती है, जाने वाली फ्रेंड्स क्या होती है निगेटिव होती है, तो इसलिए दोनों का सम क्या होगा यहाँ पे दोनों का आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, सेकेंड लॉ क्या है हमारा, सेकेंड लॉ है क्या फ्रेंड्स हमारा किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या है, तो सेकेंड लॉ है लूप लॉ फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं लूप लॉ। लूप लॉ में क्या होगा फ्रेंड्स, इन एनी क्लोज लूप, क्लोज लूप इन एनी क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी अलजेब्रिक सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ई एम एफ या टोटल ई एम एफ इन दैट लूप। ओके फ्रेंड्स, मतलब हम क्या कहेंगे, इन एनी क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ फ्रेंड्स क्या होगा टोटल ईएमएफ इन दैट लूप, मतलब यहाँ पे हो जाएगा समेशन आई आर इक्वल टू फ्रेंड्स समेशन यहाँ पे ई लिखते हैं या तो समेशन क्या लिखते हैं बी लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ, वो भी लूप कैसा होना चाहिए, लूप क्लोज होना चाहिए, एकदम क्लोज लूप होगा तभी ऐसे पॉसिबल है। तो फर्स्ट लॉ है जंक्शन लॉ और सेकेंड लॉ है लूप लॉ। जंक्शन लॉ में क्या होगा, इट एनी जंक्शन टोटल अल्जेब्रिक सम ऑफ या अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। ओके फ्रेंड्स, और सेकेंड लॉ क्या है, लूप लॉ है, इसमें क्या होगा, इट एनी एट एनी क्लोज लूप द प्रोडक्ट ऑफ द अल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेट करंट या करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ फ्रेंड्स क्या होगा ई एम एफ इन दैट लूप। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड लॉ हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग देख लीजिए, तब तक फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हम जो है अब लाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लगाते हैं, देखिए तो क्वेश्चन में हमने क्या ले लिया फ्रेंड्स, एक ये ले लिया फर्स्ट और फ्रेंड्स हमने क्या ले लिया, एक ऐसे ले लिया ये सेकंड होता है। फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमको करंट का अपने जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं लूप में वो मेन होता है। जैसे हमने क्या कर लिया, ऐसे ले लिया फ्रेंड्स, तो अब क्या होगा हमारे डायरेक्शन जो हम लेते हैं उसके हिसाब से ही करंट और ईएमएफ को हम लोग लेते हैं। अगर हमारा करंट के डायरेक्शन में, मतलब हम जो डायरेक्शन लिए उसके डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है फ्रेंड, तो हमारा करंट की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगी, और अगर उसके डायरेक्शन के अपोजिट जो हम लेते हैं तो हमारा क्या होगा, करंट निगेटिव हो जाएगा। और ईएमएफ की बात करते हैं फ्रेंड, तो ईएमएफ जो डायरेक्शन हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर करंट फ्लो करता है, मतलब टूवर्ड्स फ्लो करता है, तो होगा पॉजिटिव ईएमएफ और नहीं तो निगेटिव। तो देखते हैं, चलिए कुछ, तो फर्स्ट क्या होगा फ्रेंड, इन फर्स्ट इन फर्स्ट लूप तो क्या होगा फ्रेंड, फर्स्ट लूप में क्या करते हैं, यहां पे देखिए हमारा आई टू करेंट है, ये आई टू, तो फ्रेंड क्या होगा यहाँ पे, तो फर्स्ट में लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 200
आई क्यू प्लस यहाँ 200 आई क्यू फ्रेंड्स यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ कितना है तो प्लस है यहाँ पे प्लस होगा 20 I3 इक्वल टू कितना ईएमएफ है, एक 5 वोल्ट का ही ईएमएफ मिल रहा है वो भी पास के फ्रेंड, तो 5 वोल्ट का 5 से डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स 40 I2 आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 I3 इक्वल टू 1 हो गया फर्स्ट इक्वेशन, 1 हो गया इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। ओके फ्रेंड सेकेंड ले लेते हैं, इन सेकेंड लूप, सेकेंड लूप में यहाँ पे जाते हैं फ्रेंड्स तो हमारा डायरेक्शन ऐसे है तो हमारा क्या वैल्यू मिलेगा तो मिलेगा कितना 60 I1 प्लस 20 I3 इक्वल फ्रेंड कितना ईएमएफ है तो 4 वोल्ट का ईएमएफ है, 4 से जो ऐड करेंगे 15 I1 आ जाएगा प्लस यहाँ करेंगे तो 5 I3 हो जाएगा इक्वल टू फ्रेंड कितना आ गया 1 आ गया यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ कितना आ गया इक्वल टू 1 आ गया और ये सेकेंड इक्वेशन फ्रेंड्स लिखते हैं एट जंक्शन पी जंक्शन लेते हैं तो क्या होगा I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा ये थर्ड इक्वेशन। ओके फ्रेंड अब क्या करना है हमको सॉल्व करना है तो पहले क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड थर्ड से I2 की वैल्यू निकाल कर फ्रेंड फर्स्ट में रख देंगे तो मिलेगा कितना 40 और यहाँ मिल जाएगा कितना तो I3 माइनस I1 मिलेगा और प्लस मिलेगा 4 I3 इक्वल टू 1 होगा। फ्रेंड्स यहाँ देखिए I2 की वैल्यू है I2 यहाँ से निकालेंगे तो I2 मिल जाएगा हमारा I3 माइनस I1 ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारा I3 माइनस I1 और प्लस कितना होगा 4 I3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 I3 माइनस 40 I1 प्लस 4 I3 इक्वल टू 1 इसको ऐड करेंगे तो 44 कितना हो जाएगा I3 को पहले लिखते हैं फ्रेंड माइनस 40 I1 और प्लस यहाँ होगा 44 I3 इक्वल टू 1 हो गया इक्वल टू हमारा कितना हो गया 1 ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करना फ्रेंड फोर्थ इक्वेशन हमारा ये हो गया और थर्ड हमारा सेकंड यहाँ पे है इसको हमको सॉल्व करना फ्रेंड्स यही I3 हमको काटना है तो I3 का फ्रेंड्स मतलब है इसको लाना है यहाँ 120 आ जाए यहाँ तो यहाँ 20 लाने के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 20 लाने के फ्रेंड्स क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 4 एंड 8 इन इक्वेशन सेकेंड बी गेट मल्टीप्लाई कर सब लेंगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है तो 8 से करेंगे 120 I1 प्लस इसमें करेंगे फ्रेंड 40 I3 इक्वल टू इसमें 8 से करेंगे 8 आ गया तो यहाँ लेंगे फ्रेंड्स तो 120 माइनस I1 प्लस उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स कितने से तो यहाँ करना हमको 3 से मल्टीप्लाई तो 132 I3 इक्वल टू 3 हो गया फ्रेंड्स और यहाँ पे कुछ ये ना ये कट जाए क्योंकि ये प्लस एक माइनस है तो अपने आप ही कट जाएगा इसको ऐड कर फ्रेंड्स 172 I3 इक्वल कितना हो गया 11 आ गया तो फ्रेंड्स I3 की जो वैल्यू हमारी मिलेगी वो कितनी मिलेगी तो 11 अपॉन कितना 172 मिलेगा फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो गया I3 की वैल्यू का। ओके फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग तो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं इसको तो फ्रेंड्स हमारा क्या आ गया I3 आ गया तो फ्रेंड्स क्या करते हैं इस I3 की वैल्यू हम किसमें पुट कर दें फ्रेंड्स तो हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में लिख दीजिए पुटिंग
सी इन इक्वेशन सेकेंड बी गेट, फ्रेंड्स यहाँ रखेंगे क्या मिलेगा 15 I1 + 5 × यहाँ पे I3 की वैल्यू कितनी है 11/172 हो जाएगा फ्रेंड, और इक्वल हमारे पास कितना 1 है यहाँ रखेंगे सभी चीज़ें इस वाले में रखेंगे 15 I और प्लस 5 और ये 11 इसको काट दें फ्रेंड्स कट जाए 11 हमारा 11 मत काटिए अभी फ्रेंड्स इसका हो गया 11/172 तो 15 I1 = हो जाएगा 1 - मतलब इधर लेफ्ट ऐसे में 172 - 65 / इतना हो गया 172 आ गया, इसका हम सबट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स कितना जाएगा तो यहाँ पे 7 आ गया यहाँ पे और यहाँ 6 117/172 और फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा 15 और ये हो गया I1 इसको काट देंगे अब फ्रेंड्स कितना हो जाएगा तो 13 ये कट जाएगा 13 काटे फ्रेंड्स 19 13 के काटेंगे 31 जा और 13 फोर जा फ्रेंड्स यहाँ कितना होगा 39 जा 117 और 31 जा और 13 का मतलब 13 तो फ्रेंड्स कितना जब 13 काटेंगे एक मिनट देख लेते जरा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 उसके बाद यहाँ लेते हैं तो हमारा हो गया 7 5 12 7 5 12 हो गया फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे बच गया 6 एक हो गया और एक हो गया एक तो 72 हो गया और नीचे 15 हो गया फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड सबको देखिए हम 3 काटी सकते 3 × 15 3 से काटेंगे फ्रेंड यहाँ कितना होगा 3 × 9 और 3 × 9 हो गया फ्रेंड और यहाँ कितना हो जाएगा 2 बन गया तो 3 × 9 = 27 39 आ गया। तो अब हम यहाँ पे I1 इक्वल लिखते हैं 39/172 में 5 से मल्टीप्लाई कर लिए 5 × 10 = 35 5 × 10 = 36 फ्रेंड्स और यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 3 = 8 8 तो फ्रेंड्स कितना हो गया 60 आ गया ठीक फ्रेंड। इससे अगर काटेंगे तो ये कटेगा नहीं क्योंकि 9 39 है इसी छोड़ दे फ्रेंड आगे लीजिए। अब हमको आई ये इतना आ गया I1 की वैल्यू फ्रेंड अब निकालते हैं क्या इसको इरेज कर दें थोड़ा सा तो अब हम निकालते हैं फ्रेंड्स क्या इसमें रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा तो पुट I1 and I3 इन इक्वेशन इसमें रख देंगे फ्रेंड तो थर्ड में रख दें इन इक्वेशन 5 बी गेट तो क्या मिलेगा थर्ड में रखेंगे फ्रेंड I2 निकलेगा I2 = I3 - I1 = I3 की वैल्यू हमारी है 11/172 - और यहाँ पे है 39/ कितना है तो 860 हो गया फ्रेंड इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो एलसीएम का मतलब फ्रेंड यहाँ देखिए ये 5 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई हम 65 माइनस यहाँ कितना होगा 39/ ये हो गया 860 हो गया सब्ट्रैक्ट करें फ्रेंड कितना हो जाएगा 14 ये हो गया 11/ कितना आ गया 860 फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा ये I2 है एम्पियर यहाँ एम्पियर फ्रेंड और हमारा जो आया हुआ है ये एम्पियर में आ गया ये एम्पियर में वैल्यू है ओके फ्रेंड देख लीजिए यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले जब यहाँ पे लाएंगे वैल्यू तो हमने क्या कर दिया हम लिख दिए 172 × 5 लिख देंगे 172 × 5 से मल्टीप्लाई होगा 1 से यही इसका एलसीएम हो गया फ्रेंड इतना तो अब क्या करेंगे एलसीएम ये हो गया तो अब क्या करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करें 39 तो 40 कितना हो गया 55 में से 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड कितना जाएगा तो कितना जाएगा मैं जब तक समझ रहा 16 होगा फ्रेंड ये यहाँ पे 16 आ जाएगा ये ओके फ्रेंड काट नहीं रहे ये हमारा आंसर ओके फ्रेंड तो टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है फ्रेंड इसलिए हम दो ही क्वेश्चन लाएंगे आप लोग एक बार देख ले फिर हम दूसरा लेते हैं तो फ्रेंड्स बस आज इतना ही फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आप लोग इनको एक बार जरूर देखिएगा फ्रेंड्स अगर आपको फ्रेंड्स हमारा
अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।